भैया हेलो, आप कहाँ काम करते हैं आप? मैं फ्लैश फॉर्जिंग में काम करता हूँ। ये अभी आप कंपनी जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं ये आप इंटरव्यू को आया था, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। अभी आप कहाँ पे काम करते हैं फिलहाल? मैं फ्लैश फॉर्जिंग में काम करता हूँ फिलहाल। मतलब सैलरी क्या है? सैलरी तो 22,000 तक आ जाते हैं। ओवर टाइम भी लगे? ओवर टाइम अलग से रहता है, 8 घंटे का। अच्छा अच्छा, प्लीज़ एक मिनट आएंगे वीडियो में क्या, मतलब हम जॉब टॉक पे। तो दोस्तों, अभी मैं महालंगे में हूँ और मैं जॉब सर्च करने के लिए जा ही रहा था, तो भाई हमारे साथ मिले और ये भी अभी जॉब सर्च करने के लिए जा रहे थे। हाँ, जॉब सर्च कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। अच्छा, तो अभी ये अभी आप पुणे में कितने दिन से रह रहे हैं? पुणे में अभी 5-6 साल हो गया, बहुत साल से मैं अभी इधर ही हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाई भी अभी इधर ही हुआ है 10वीं तक, इसके लिए अभी बहुत साल से इधर हूँ। और मैकेनिकल के बाद 2 साल सिग्मा में काम किया, उसके बाद अभी इधर ही हूँ। अभी आप मतलब कहाँ से हैं? मैं यहाँ जलगाँव से हूँ। जलगाँव महाराष्ट्र से ही है? हाँ, महाराष्ट्र। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल है। डिप्लोमा कब पास आउट हुए आप? मैं 2020 में पास आउट हुआ। अच्छा, 2020 में। उसके बाद कौन सा कंपनी फर्स्ट पार्ट ज्वाइन किए थे? मैं सबसे पहला ट्रेनी के हिसाब से ज्वाइन किया था सिग्मा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। ये कौन से प्लांट में? वो अपना जो बामोली गाँव है। हाँ, बामोली में। हाँ, A5 प्लांट में। उसमें आपका सैलरी क्या था वहाँ पे? मेरा सैलरी था फर्स्ट ईयर को कुछ लगभग 13,000 था और सेकंड ईयर को 16,000 तक था। वहाँ पे आपको किस बेस पे रखा गया था? वहाँ मेरे को ट्रेनी इंजीनियर के बेस पे रखा गया था। मैंने वहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट में काम किया था, जैसे कि पेंट शॉप हो गया। अच्छा, डाई कास्टिंग हो गया, मशीन शॉप हो गया। अच्छा। लेकिन और वो वहाँ पे जो सीखने को मिला ना, वो नॉलेज अच्छा था ट्रेनिंग के हिसाब से। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं था ना हेल्पर वगैरह काम कराया जा रहा है डिप्लोमा वाले? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मतलब कुछ भी काम करा दिया जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन फिलहाल मेरा जो अनुभव है, वो जो रियलिटी है। हाँ, वो मैं बताना चाहता हूँ। जरूर, जरूर। जब मैंने सिग्मा ज्वाइन किया था तब मैं डाई कास्टिंग शॉप में काम करता था। अच्छा अच्छा। तो डाई कास्टिंग शॉप में काम करते वक्त मेरे को मशीन जो रहता है डाई कास्टिंग, वो बहुत बड़ा मशीन रहता है, उसको समझने में कम से कम 1 महीना तो जाता ही है, क्योंकि वो मशीन में वेरियस फंक्शंस यूज होते हैं और थोड़े से क्रिटिकल कोई ऑपरेशन क्रिटिकल रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपको वहाँ पे सिग्मा में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एज ए नए लड़का जाएगा तो जरूर उसका लाइफ ग्रोथ होगा, है ना सिग्मा? यस, होगा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सिग्मा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है अभी उसका फिलहाल नाम चेंज हुआ है, पहले इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन ऐसा था। हाँ। तो वहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट में काम करने को अपने को मौका मिलेगा, जैसे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं मैक्सिमम सिग्मा में? सिग्मा में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उसके बाद क्वालिटी है, मशीन शॉप है, टाई कास्टिंग है, उसके बाद तुम्हारा SPM डिपार्टमेंट है, असेंबली डिपार्टमेंट है, बहुत सारे। हाँ, मतलब यहाँ पे किन किन लोगों के लिए भर्ती रहता है, मतलब ITI के लोगों के लिए रहता है कि नहीं? ITI वालों के लिए भी रहता है, लेकिन ITI का शायद कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है और थर्ड पार्टी, और ऑन रोल जो वैकेंसी निकलता है वो ट्रेनिंग बेस पे निकलता है। इसके लिए ज़्यादातर मैं प्रेफर करूँगा जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल के स्टूडेंट है, वही ज़्यादातर उधर वैकेंसी जब ओपन होगा। कैसे पता चलता है सिग्मा में वैकेंसी, कैसे पता चला? नए लोग जो घर में बैठे हैं, मतलब पुणे के बाहर हैं, उनको कैसे पता चलेगा वैकेंसी के बारे में? वैकेंसी के बारे में आपको पता चलेगा कि तो एक तो HR के जो ये रहते हैं पोस्ट होते हैं वेरियस इसके रहते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, उस पर पोस्ट करते हैं। उसके बाद ये गेट पे आने के बाद हो सकता है क्या, मुझे कोई फ़ोन आया कोई वीडियो वगैरह देखने के बाद, या फिर ऐसे ही जॉब सर्च करने के लिए गेट पे आया, हो जाएगा वहाँ पे? यार गेट पे भी हो सकता है, और होता भी है, गेट पे भी होता है, सिर्फ ऐसा है कि गेट पे मेरे ख्याल से बहुत कम बार होता है, लेकिन जब तुम कोई तुम्हारे दोस्त हो गए या सिग्मा की वेबसाइट पे जाके आप सर्च करोगे तो वहाँ पे ज़्यादातर मेरे को लगता है साल भर में 8 से 9 बार वैकेंसी निकलता है, और बम्पर वैकेंसी वहाँ पे निकलता है। ये मेल और फीमेल दोनों लोगों की रहता है क्या? यस यस, मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए रहता है, और उसमें BSc डिपार्टमेंट और डिप्लोमा इन मैकेनिकल दोनों डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी रहता है। अच्छा, BSc में क्या क्या देखते हैं? BSc कौन सा ब्रांच होना चाहिए? BSc केमिकल में होना चाहिए। अच्छा, केमिस्ट्री में होना चाहिए, ये दो डिपार्टमेंट वहाँ पे लेते हैं।
क्योंकि बीएससी केमिकल और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट लेने का उनका जो मोटो है वो कि वहाँ पे पेंट शॉप है और पेंट शॉप में जो केमिकल के जो बॉन्डिंग होते हैं या केमिकल के जो कोई चीज़ें होते हैं वो चेक करने के लिए वगैरह जो होते हैं उसके लिए केमिकल वाले को लेते हैं बीएससी के जो कैंडिडेट को लेते हैं। अच्छा बीएससी वालों को सैलरी क्या लगा बीएससी वालों को 15,500 या 18,000 तक अभी देते हैं ऐसा मेरे को पता चला क्योंकि पहले कम था अभी सैलरी बढ़ गया है तो अभी शायद 16,000 या 18,000 के बीच में रेंज में मिलता है क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सैलरी अलग अलग होता है। और ये आप जो ट्रेनिंग बोल रहे हैं कौन सा ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं आप कौन सी ट्रेनिंग मतलब DAT, DET या फिर NAPS कौन सा ट्रेनिंग होता है? ये ट्रेनिंग ऑन रोल होता है और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग DET होता है कंपनी के ऑन रोल पे ट्रेनिंग होता है यानी सब चीज़ जो कंपनी के अंडर रहता है बस हो गया कैंटीन हो गया आपका 2 साल का जो कुछ भी 2 साल के रखे जाता है ना 2 साल का रहता है वो वहाँ 2 साल में जो कुछ चीज़ें वो सब कंपनी के अंडर रहता है। ये उसके बाद ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट वगैरह देती है क्या? यस सर्टिफिकेट मिलता है 2 साल का वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट बहुत आगे जाके काम में आता है अगर आप प्रीवियस टाइम में अगर अच्छे डिपार्टमेंट में काम किया होगा तो आपको उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो गया कि अभी बाकी है? मेरा ख़त्म हो गया है अभी मैं 2 साल मेरा ख़त्म हो गया है अभी मैं दूसरे जगह पर काम करता हूँ। अब अभी जो दूसरे जगह आप गए वहाँ पे इंटरव्यू में पिछले का देखा गया था क्या कौन से डिपार्टमेंट काम करते थे क्या क्या पूछा गया था? अगर मान लीजिए कोई बंदा अभी सिग्मा में जॉब कर रहा है अगर वो किसी दूसरे कंपनी में जॉब सर्च कर रहा है फिर गया इंटरव्यू देने के लिए ऐसे बता सकते हैं क्या उन लोगों के लिए क्या क्या इंटरव्यू में पूछा गया कुछ सवाल? हाँ यस यस पिछले डिपार्टमेंट का जो कुछ रहता है यानी पिछले डिपार्टमेंट एक एग्जाम्पल आपकी डिपार्टमेंट कास्टिंग में थे तो मैं मशीन शॉप में काम किया था तो मशीन शॉप के जो कुछ मेरे को सब सवाल पूछे गए उस। तो अभी आप फिलहाल किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं सिग्मा छोड़ने के बाद? सिग्मा छोड़ने के बाद मैं फ्लैश फॉर्जिंग पे काम कर रहा हूँ एज मशीन शॉप में। अच्छा अच्छा ये सिग्मा कौन सा ये फ्लैश कौन सा प्लांट? फ्लैश फॉर्जिंग अपना HP चौक का जो प्लांट है वहाँ पे आपको कौन से डिपार्टमेंट में है? वहाँ पे मशीन शॉप में है BMC डिपार्टमेंट BMC मशीन चलाते हैं। आपको शुरू में मशीन पे दे दिया गया क्या? हाँ मशीन पे दिया था उसके बाद सेटिंग सिखाने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हाँ सैलरी क्या दिया गया शुरू में वहाँ पे का कितना बताया था आपने सिग्मा में? सिग्मा में मेरा सैलरी था 16,000 था लास्ट सेकंड ईयर को अभी जो फ्लैश में सैलरी हो मेरे को 20,000 है। अब यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या फिर छोड़ दिए? अभी फिलहाल कहाँ कहाँ पे आप सर्च किए? अभी मैंने बहुत जगह पे सर्च किया है मैंने डिज़ाइन का कोर्स किया है वो डिज़ाइन में भी ट्राई करना चाहता हूँ। डिजाइनिंग में कौन सी डिजाइनिंग? डिजाइनिंग में सॉलिड वर्क है ऑटो कैड कटिया और आप कौन सा कोर्स किए हैं? मैंने सॉलिड वर्क ऑटो कैड कटिया किया। अच्छा इसके बेस पे जॉब नहीं आप कहीं ढूंढे क्या? जॉब ढूंढा है बहुत जगह पे अभी सर्चिंग चालू और यानी वो क्या रहता है डिज़ाइन फील्ड में जो स्टार्टिंग जो जॉब रहता है वो मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि बहुत कम वैकेंसी रहता है इसके लिए थोड़ा सर्चिंग चालू है। अभी तक कोई डिजाइनिंग फील्ड में मिला नहीं कहीं ना? नहीं मिला। अच्छा अच्छा तो नए लोगों को आप क्या सजेशन देंगे जो नए लोग पुणे आते हैं जॉब सर्च करने के लिए उनके लिए कुछ गाइडेंस देंगे क्या जो फर्स्ट टाइम पुणे आते हैं कौन कौन से कंपनी गेट पे जाए जॉब जिसके कारण उसको जल्दी से जॉब मिल पाए और फ्री में किसी तरह का पैसे वगैरह ना फंसे किसी का भी एज ए फ्री डायरेक्ट कंपनी के थ्रू वैकेंसी मतलब जॉब लग जाए सीधी सी बात है अच्छी कंपनी भी हो और अच्छी फैसिलिटी भी हो। हाँ तो दोस्तों मैं आपको क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर आप अपने जो कलीग से यानी जो अपने सीनियर से जो अपने कॉलेज से पास आउट होके जो अपने पुणे नासिक या जो भी बड़ी चीज़ बड़ी कंपनी में काम किया है काम करते होंगे उन्हें कांटेक्ट करके देखो कंपनी और कंपनी अपने कैंपस थ्रू भी आती है कॉलेज में वो कैंपस में भी आप भाग लेके वहाँ उसमें पार्टिसिपेशन करके वहाँ से भी जाने का मौका ये करे प्रयास करें। और दोस्तों गेट पे भी आना होगा तो गेट पे आने के बाद एक चर्चा करें वॉचमैन से बात करें कि यहाँ पे ऑन रोल वैकेंसी या कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी क्योंकि दोस्तों
आपको दो तरह के वैकेंसी मिलता है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट, एक तो ऑन रोल। कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है दोस्तों वो थर्ड पार्टी रहता है, वहाँ पे कंपनी सिर्फ आपको काम पे रखती है, आपका जो सब कुछ चीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी पे संभाला जाता है, और ऑन रोल जो चीज़ रहती है सब कंपनी के अंडर चलता है काम अपना, और सब सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ चीज़ें सैलरी वगैरह सब आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके लिए ज़्यादातर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, जैसे कि अभी भाई का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी बहुत सारे वैकेंसी आती रहती है, तो ऐसे जेन्युइन लोगों को आप सब्सक्राइब करके रखो, फॉलो करके रखो, और उनसे वहाँ से अगर तुमको कुछ मिला कि यहाँ पे वैकेंसी निकला है तो तुरंत जाके उधर एप्लीकेशन करके फॉलो करो उसको, तुरंत फॉलो करो ऐसा। और ये फ्लेश में क्या क्या बनती है, अभी आप यहाँ पे प्रॉपर जॉब कर रहे हैं साथ में सर्च कर रहे हैं, तो फ्लेश में क्या क्या प्रॉपर बनती है, क्या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अच्छा रहेगा, फिर मैकेनिकल वालों के लिए अच्छा रहेगा, ऑटोमोबाइल वालों के लिए, किन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा यहाँ पे आना फ्लैश में, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉपर, मैं तो गेट पे जाता हूँ वैकेंसी के बारे में पूछता हूँ, लेकिन आप वहाँ पे इंटरनली चीज़ों को देखते हो, मशीनें देखते हो, क्या प्रोडक्ट बनता है उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, क्या क्या बनती है कुछ जानकारी देंगे क्या? हाँ, तो दोस्तों फ्लैश जो फ्लैश फॉर्जिंग कंपनी हो ज़्यादातर गियर के प्रोडक्ट बनाती है, और वहाँ पे ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, आईटीआर फिटर वेल्डर सब चीज़ों सब लोगों का वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो डिपार्टमेंट वाइज है, जैसे कि अभी ऑटोमोबाइल का हो गया या मैकेनिकल का हो गया तो मशीन शॉप में होगा उनका काम, और जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है, तो इलेक्ट्रिकल को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर प्रेफर किया जाएगा। अभी आप ये बताइए कि सिग्मा में परमानेंट होने का कोई चांस रहता है क्या? सिग्मा में कैसे कोई परमानेंट होगा, मान लीजिए कोई ट्रेनिंग का पीरियड ख़त्म कर गया एक साल का, या फिर दो साल का पीरियड ख़त्म होने के बाद वहाँ पे कंपनी भागा देती है, या फिर परमानेंट वगैरह होता है कि नहीं? सिग्मा में परमानेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्त, और परमानेंट होते हैं। वहाँ पे क्या है, दो साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कंपनी के जिधर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे परमानेंट के असिस्टेंट इंजीनियर के जो वैकेंसीज है वो ओपन हो जाती है, क्योंकि जो असिस्टेंट इंजीनियर फिलहाल काम कर रहे होते हैं उनको वो छोड़ के जाते हैं, तो उसके बाद ट्रेनिंग वाले को उनके जगह पे भेज दिया जाता है, क्योंकि उनको वही जगह का एक्सपीरियंस रहता है, वो दो साल कंपनी में काम किया रहता है, तो जेन्युइन कंपनी को लगता है कि उत्कृष्ट के लायक है। हाँ, तो मेरा कहना है कि एक ही सिग्मा हो या कोई भी जगह हो, अपना दो साल ट्रेनिंग का जो शुरुआत का दो साल ट्रेनिंग का ईयर है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट करो, जिससे कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर जैसी पोस्ट मिल जाएगी, उसके बाद एक बार जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर ये पोस्ट आपको मिल गई तो उसके बाद आपको आगे जाने में बहुत ये अच्छा रहेगा, तो अच्छा के लिए ग्रोथ के लिए। और ये आप नहीं देखे क्या, आप सिग्मा आपको आप नहीं सोचे कि यहाँ पे हम परमानेंट हो जाते हैं? दोस्तों हमारा कुछ बैड लक रहा वहाँ पे कि हम वहाँ पे होने वाले थे परमानेंट, लेकिन जो परमानेंट का वैकेंसी ओपन हुआ उसके ठीक एक महीने के पहले ही मैंने वो कंपनी छोड़ दिया, उसके बाद मेरे जूनियर थे जो थोड़ा बार मैंने उनको ही ट्रेनिंग दिया था, वही लोग आज परमानेंट है, ये हमारा कुछ थोड़ा बैड लक। मतलब आप जिसको सिखाए वो परमानेंट हो गए? हाँ, वो अभी कैसा रहता है दोस्तों कि वहाँ टर्निंग पॉइंट हो गया है मेरा, कि वो एक महीना मैंने छोड़ के नहीं जाता तो मेरे को वो चांसेस नहीं होने वाला था, लेकिन क्या रहता है दोस्तों कोई चीज़ अपने हाथ में नहीं रहती है, यानी अपन ज़्यादा कभी कभी बे में चलिए कोई बात नहीं, सब किस्मत की बात है, ऐसा नहीं है, आप जहाँ भी मन लगाए काम कीजिएगा, शायद आपको लाइफ में ज़रूर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया आपने हमारे भाई लोग को, भाई के लिए एक लाइक जरूर करो दोस्त, इतना इंटरनली चीज़ें सिग्मा के बारे में ब्रेस के बारे में इन्होंने बताया, मैं भी आप लोगों को उतना सारी चीज़ें नहीं बता सकता, कि मैं दोस्तों मैं किसी भी कंपनी के गेट पे जाता हूँ, अलग अलग दोस्तों मैं अलग अलग भाई से मिलता हूँ रास्ते पहले, तो किसी कंपनी में कोर कंपनी में काम करते हैं, अंदर काम करते हैं, अलग अलग मशीनें चलाते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसीलिए हमें अच्छा लगता है। भाई के लिए एक लाइक करो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।